Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग खोलने जा रहे हैं अपना एक न्यू कार शोरूम. आप लोग को याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने कार फोर्स सेल में एक टेक्नो मोटर्स नाम की डीलरशिप खोली थी, जहाँ पे मैं पुरानी घटिया गाड़ी खरीद के लाता था और उन्हें ठीक करवा के अच्छे प्राइस में बेचता था. ये काम कर करके मैंने बहुत पैसे कमा लिए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां खरीद ली थी. बट आज हम लोग इस गेम को खेलने जा रहे हैं मोबाइल में. आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि उज्जवल भाई तुमने पीसी में तो बहुत ही अच्छा सुंदर सा शोरूम बना दिया था, तो क्यों ना एक बार मोबाइल में भी बनाया जाए. तो अब नया गेम है, इसीलिए हमें सैमसंग ने भेजा एक न्यू फोन, सैमसंग गैलेक्सी M55 5G. भाई बहुत ही बढ़िया फोन है, एकदम लेटेस्ट आया है. और हाँ, वीडियो के एंड में ना इस फोन का गिव अवे भी होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, गिव अवे रूल्स मैं तुम्हें बता दूंगा. फिलहाल पहले इसका डब्बा खोल देते हैं क्योंकि गेम भी तो खेलना है इसके अंदर. चलो भाई कर देते हैं इसका अनबॉक्सिंग. लेट्स गो. फोन आ चुका है हाथ में. ओहो क्या ही शानदार. भाई एक मिनट, ये तो मेरे टी शर्ट कलर से पूरा मैच कर रहा है. वैसे सच में यार फोन तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है और काफी स्लिम फिट है. और इसके अंदर भाई 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 12 GB रैम है. पता नहीं क्या क्या. खैर अभी चालू नहीं है, गेम डालते हैं और मजे से रिकॉर्ड करते हैं. ऑलराइट, तो हमने फटाक से कार फोर सेल अपने नए मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है. वैसे गाइस एक चीज तो माननी पड़ेगी कि गेम बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि भाई मोबाइल में खेल रहा हूँ. एक बार एकदम क्वालिटी देखो, एकदम बढ़िया स्काई, हरे भरे पेड़. मतलब पीसी वाली भी क्वालिटी कुछ खास हाई ही नहीं थी, उसके कंपैरिजन में मोबाइल वाली मुझे ज्यादा बढ़िया लग रही है. और ये है पीछे हमारा घटिया शोरूम. भाई छी यार, पता नहीं गेम की शुरुआत में हमें इतना खट्टारा शोरूम क्यों ही मिलता है. और दुख तो इस बात का भी, अगल बगल लोग इतना कचरा फेंक के जाते हैं, ये देखो भाई जैसे कोई कूड़ा खत्ता हो. रुक जाओ, हमें यहाँ पर अभी गाड़ी वाड़ी ला के बेचने, तो इसकी पहले सफाई चालू करनी पड़ेगी. वैसे सही बताऊं तो मैं ना शहर में घूमने के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मतलब मुझे एक बार जाकर देखना है कि आके नेबरहुड में कौन कौन सी गाड़ियां हैं. हो सकता है ना यार पीसी वाले और मोबाइल वाले वर्जन में अलग अलग गाड़ियां हो. उसमें तो भाई मस्तांग, सुपरा, लैम्बोर्गिनी सब थी, देखते हैं इसमें चलकर भाई, क्योंकि उसमें मेरे को बुगाटी वगैरह नहीं दिखी थी. हो सकता है इसमें भी गाड़ियां सारी की सारी सेम ही हो, या फिर हो सकता है कि कुछ गाड़ियां डिफरेंट भी हो. चलो भाई सारा का सारा कूड़ा कचरा तो मैंने बटोर लिया. नहीं भाई अभी भी 4 कूड़ा बचा है. यहाँ पर लिख कर आ रहा है लेफ्ट में 17 है टोटल. ओके ओके ओके, तो जो बाकी है वो ये लकड़ी वाले प्लैंक्स हैं, जिसे हटा के मैं अपने शोरूम को कर दूंगा ओपन. लेट्स गो. वैसे एक चीज तो मैंने नोटिस करी कि यार जो अपना पीसी वाला वर्जन था उसमें हमें स्टार्टिंग में जो डीलरशिप है वो काफी छोटी और घटिया से मिलती थी. अरे तू मच्छर खा कैसे. हाँ तो इसमें फिर भी थोड़ी बहुत बेटर है यार, सोफे ओफे काफी अच्छी क्वालिटी के लगा रखे हैं और यहाँ पर सेटअप भी बहुत ज्यादा सही दे रखा है यार हमें. और एक और मस्त चीज जो मैंने नोटिस करी भाई, तुम सामने देखो, मतलब अगर मेरी कोई भी गाड़ी खराब होती है या फिर मैं कोई खराब गाड़ी लेकर आता हूँ, उसको रिपेयर करवाने के लिए सामने बहुत ज्यादा सही बना रखा है यार. और यार रोड भी बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बट उस पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है. क्या ठीक है, ट्रैफिक छोड़ो, अभी तो अपने पास गाड़ी ही नहीं है इस गेम में. तो गेम में आते ही सबसे पहले हमारा टास्क होता है हमें अपने शोरूम का नाम रखना है. तो साफ सफाई कर दी है, अब रखते हैं अपने शोरूम का नाम, जो कि मैं रखने वाला हूँ लाइन में चल के. भाई देखो सिंपल नाम रखते हैं, टेक्नो मोटर्स. डन, टेक्नो मोटर्स रख दिया. मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता हूँ इसका साइज वगैरह, इसकी विड्थ वगैरह हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं. यार कलर भी तो चेंज कर, हाँ कलर चेंज कर सकते हैं. देखो रेड तो बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है, व्हाइट बहुत चीप लग रहा है, सिंपल है भाई ब्लैक कर दूंगा. यार इन गेम वालों को ना थोड़े से डिजाइन के ऑप्शन लाने चाहिए. मैं एक काम कर रहा हूँ ना, मैं इसको पूरा रेड कर दे रहा हूँ. चलो डन, अपडेट कर दिया. और अभी से ही हम लोग भाई इसकी डिजाइनिंग विजाइनिंग कर सकते हैं. देखो बाहर का जो फ्लोर है वो चेंज कर सकते हैं, पर पैसा बहुत चाहिए भाई. तो अभी पैसा वैसा है नहीं, अंदर भी बहुत. अरे यार इतनी कस्टमाइजेशन तो पीसी वाले वर्जन में नहीं है. वाह यार इसमें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. मैं वेलकम का डोर मैट लगा सकता हूँ. और ये देखो भाई क्या क्या चीजें हैं भाई, इसमें चीजें बहुत सारी है. बट ये सब यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा बहुत सारा पैसा. और इस टाइम अपनी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, हमने बस अपना ये नया शोरूम खोला है. अपने पास $15,000 है और इन $15,000 में मुझे कोई बढ़िया गाड़ी खरीद के लानी है पहले. तो बाकी गाड़ी से याद आया, एक बार तुम सामने वाला एरिया देखो जहाँ पर हम लोग गाड़ी वाड़ी रिपेयर करवाने आएंगे. भाई क्या बढ़िया बना रखा है. ये दोनों मैकेनिक्स है जो की गाड़ी रिपेयर करेंगे. और राइट साइड में ये क्या है भाई, ऑटो पेंटिंग. अच्छा ये बंदा गाड़ी पेंट करेगा. तो चलो भाई इन तीन लोग का काम तो मुझे समझ आ गया. लेफ्ट में एक बार देख कर आते हैं भाई, यहाँ पर उसमें तो शायद से इधर जंक यार्ड होता था और इधर भी यहाँ पे जंक यार्ड ही है. और इस जंक यार्ड में हमेशा कूड़ा कबाड़ी भरे रहता है जो कि अपने किसी भी काम का नहीं है. फिलहाल फालतू की बात है, बाद में करते हैं. अभी हम लोग सबसे पहले जाने वाले हैं बस पकड़कर नेबरहुड में गाड़ियां खरीदने, क्योंकि अपना फर्स्ट टास्क ही वही है. यू हैव टू कम. देखो मच्छर को तुम देखो, ये देख रहे हो भाई, तू डेंगू कराएगा. फोकस. नहीं मैं इसको क्या बोलूं, तू मुझे गेम नहीं खेलने देगा, भाग गया. हाँ तो चलो चल के बस पकड़ते हैं और चलते हैं नेबरहुड में. ऑप्शंस अपने पास काफी सारे हैं, कार मार्केट, गैस स्टेशन, रेड कैफे, कैरावन, ऑक्शन. बिल्कुल पीसी वाली है भाई ये तो. चलो सबसे पहले चलेंगे नेबरहुड, क्योंकि अगर मुझे सबसे ज्यादा सस्ती गाड़ी खरीदनी है तो वो मुझे लोगों से ही मिल सकती है. तो अभी मैं उस एरिया में आ चुका हूँ जहाँ पर लोग बाग रहते हैं. और इधर एक गाड़ी खड़ी तो भाई मर्सिडीज है. तो
कितने की बेच रहे हो भाई साहब आप ये वाली गाड़ी? ये मुझे बेच रहा है भाई 52,000। नहीं 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 भाई भाई भाई, मुझे गाड़ी वाड़ी खरीदने आती तो मुझे टिप्स मत दो, तू निकल यहाँ से, तेरे को देखूंगा मैं बाद में। यार 52,000 बहुत ज्यादा है, स्टार्टिंग में ना मुझे सिर्फ और सिर्फ 2,000-4,000 का कार खरीदना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी सही गाड़ी दिख रही है, कोई पुराना मॉडल है, सेडान है, और ये है लॉर्ड क्राउन विक्टर। एंड ये बंदा मुझे अपनी गाड़ी बेच रहा है $5,700 में। मैं ऑब्वियसली बार्गेन करके थोड़ा कम करवा सकता हूँ, बट नहीं, मुझे ना यार कोई अच्छी बढ़िया कंडीशन की गाड़ी चाहिए यार, जिसे बस थोड़ा बहुत ही रिपेयर करवाना हो। ये गाड़ी तो मुझे देखने में ही ठीक नहीं लग रही। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है भाई, पहले पूरा शहर घूमेंगे, कोई बढ़िया सी गाड़ी ढूंढेंगे, उसको खरीदेंगे। यार कोई $7-8 में स्पोर्ट्स कार मिल जाए ना, चाहे वो बहुत खराब भी हो, मैं वो खरीद लूंगा, क्योंकि वो रिपेयर करवा कर ना बहुत महंगी चले जाएगी। बाकी यहाँ पर स्पोर्ट्स कार तो नहीं है, बट टोयोटा की कोई गाड़ी है शायद से। ओके, तो ये है टोयोटा कोरोला, 20,000 की दे रहा है। मुझे लेनी चाहिए क्या? यार देखो गाड़ी की कंडीशन का कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, बट देखने में तो मुझे काफी आइडिया लग गया कि गाड़ी बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला। अभी अपने पास भाई गिनती के 10-15,000 है नहीं, वो भी मैं रिस्क में डाल दूं तो भाई मैं गरीब ही हो जाऊंगा चालू होते ही। यहाँ पर कोई बड़ा घर है क्या? अबे ये तो गार्डन है भाई, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह भी है यार। मोबाइल वाले वर्जन में काफी सारी बढ़िया बढ़िया चीजें। और वेट, यहाँ पर पीछे एक छोटी गाड़ी खड़ी हुई है। अंजी अंकल कितने की बेच रहे हो आप ये गाड़ी? ओ भाई 9,000। ये क्या है, टोयोटा की कोई गाड़ी है भाई? नहीं नहीं चाहिए भाई, जरा जरा सी माचिस की डब्बी जितनी गाड़ी है 9,000 की बेच रहे। ओह वेट, ये ऑडी है, ये मिल जाए ना सस्ती अभी खरीद लूंगा। ऑडी B3 32,000। नहीं यार नहीं चाहिए मुझे, यार कुछ तो बेचो यार सस्ता, आज मैं पहले दिन ही अमीर बन के जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी एक और कार है, ये है Volkswagen Polo A, एंड ये 14,000 की दे रहा है। ये अच्छी डील हो सकती है, इसे मैं 10,000 में ले लूंगा। अंकल मैं आता हूँ थोड़ी देर में आता हूँ। अपने को एक अच्छी गाड़ी हाथ लग चुकी है, बट मैं जल्दबाजी में खरीदने से बढ़िया थोड़ी बहुत और गाड़ी ढूंढ ले रहा हूँ। क्या पता अपने को मर्सिडीज वगैरह भी हाथ लग जाए। ये गाड़ी तो मैंने देखी थी ना शायद से, मर्सिडीज C200। हाँ ये 52,000 की। नहीं नहीं नहीं, चलो इतनी ज्यादा ढूंढाडी करने के बाद मुझे जो गाड़ी समझ आई है पोलो, उसको एक बार चलकर थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, क्या पता ये मुझे सस्ते में दे दे। भाई वैसे देखा जाए ना तो इस गाड़ी पे काफी काम हो रखा है, इसके टायर वगैरह देखो यार, ऐसे लग रहा है BMW के व्हील्स लगे हुए हैं। लेट्स गो, हमने इससे बात स्टार्ट कर दिया। 14,000 इसने बोला था, एक बार तुम लोग खुद देख लो भाई गाड़ी कैसी दिखती है भाई, इस टाइप की गाड़ी पूरी बना रखी है इसने, जिससे हम लोग बार्गेन करके लेने वाले। ओह मेरे पास बार्गेनिंग स्किल नहीं है क्या? अरे यार मैंने जितने रेट की वो दे रहा था उतने में ही खरीद दी। ठीक है अभी गाड़ी को हम लोग चालू करते हैं। ओ भाई यहाँ पर तो रोड पे ऑडियो R8 वगैरह भी घूम रही है। ओ वेट 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 वेट, गाड़ी में पावर और साउंड दोनों मुझे काफी बढ़िया तरीके से सुनाई भी दे रहा, दिखाई भी दे रहा है। भगा दे गाड़ी, लेट्स गो भाई, स्पीड तो जा रही है 70-80-100। ओहो लेट्स गो, एक ड्रिफ्ट मार दी है। ओ नहीं नहीं, बस गाड़ी का हॉर्न वॉर्न एकदम बढ़िया काम कर रहा है, काफी घटिया क्वालिटी का हॉर्न लगा रखा है जिस भी बंदे ने लगवाया। ड्रिफ्ट एंड सक्सेसफुली, अच्छा वो गाड़ी डैमेज नहीं हुई। और हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम में अपनी फर्स्ट गाड़ी लेकर, जिसे मैं थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करवा कर बेचूंगा। अपने पास $900 हैं, पहले चलते हैं इसे रिपेयर वाले पे लेके चलता हूँ, कि गाड़ी में अगर कोई छोटा मोटा डैमेज हुआ हो तो उसे रिपेयर कर दे। अरे बस 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 पीछे आ, बस 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 बस, चलो गाड़ी आ चुकी है। भाई साहब देखो क्या दिक्कत है, एक बार पता करो। ओ तो गाड़ी में आई थिंक इस गाड़ी में ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल हो रखी है, तो वो लगा देते हैं। बाकी तो मुझे लगता नहीं और कुछ मुझे इसमें छिड़वाना चाहिए। सस्पेंशन वगैरह मैं इसकी हाइट वाइट बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, बट मैं उसे चेंज नहीं करना चाह रहा। लाइट्स आगे की चेंज कर सकते हैं, बट नहीं यार ये सब छेड़ाछाड़ी नहीं करवानी मुझे। मैं ना गलती से सीधा पेंटिंग वाले बंदे पे आ गया, मुझे इस पे थोड़ी आना, गाड़ी रिपेयर करवानी है। तो ये है मैकेनिक जो गाड़ी रिपेयर करता है, इस पे चलते हैं। बस 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 बस, अरे बस बस, तो गाड़ी अभी आ गई मैकेनिक पे, इससे बात करते हैं। यार डैमेज तो है गाड़ी, $220 लग गए हैं, बट गाड़ी अभी मैंने रिपेयरिंग पे लगवा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे तीन दुकानें हैं, एक है मैकेनिक की, दूसरी है जो गाड़ियों को ट्यून करता है, मतलब टायर वगैरह ये सब मॉडिफाई करता है, तीसरा बंदा है जो सिर्फ पेंट करता है। ओके डन, तो अभी गाड़ी जो है रिपेयर पूरी हो चुकी है, अभी इसको वॉश करवाना है और इसे पेंट भी करवाना है। ओके तो इसे यहाँ से निकलवा देते हैं, मेरे को ट्यून तो करवानी नहीं, गाड़ी ऑलरेडी काफी अच्छी ट्यून हो रखी है, मुझे बस पेंट करवानी है। तो इन भाई सब्जी पे लाके पेंट करवा देते हैं गाड़ी। चलो भाई गाड़ी देखो यार पोलो है तो व्हाइट कलर ही कर दो भाई, बढ़िया रहेगा भाई। वो सब तो ठीक है, बट पेंट को चेंज करने का ऑप्शन कहाँ आ रहा है यार? ये बहुत ज्यादा गलत बात है, मैं ऑप्शन ही नहीं चूज कर। पार्ट्स कार, ओके ओके ठीक है हो रहा है भाई, जल्दबाजी में ना सोचता नहीं हूं मैं कुछ। मैं सोच रहा हूं गाड़ी भाई पूरी येलो करा देगा, वैसे सही बताऊं तो थोड़ी टैक्सी जैसी दिख रही है, तो रेड ज्यादा बेटर है। सबसे
पहले सेट करते हैं स्मूथनेस। गाड़ी थोड़ी सी मेटेलिक दिखनी चाहिए, उसके बाद जो उसके पार्ट्स है उसे हम करते हैं रेड पे। भाई वेट एक सेकेंड, जितने में गाड़ी पेंट होगी ना उतना अपने पास पैसा ही नहीं है, समझ रहे हो? तो छोड़ दो, सॉरी भैया मेरे को पता नहीं था इतना महंगा पेंट करते हो आप। भाई $1500 मांग रहे यार, कहाँ से लाके दूं? $700 ही है मेरे पास, तो भी गाड़ी को चुपचाप लेकर चलते हैं। अब देखो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो मैं गाड़ी को खुद ही एक कपड़ा लेके साफ करूं, या फिर मैं गाड़ी को वॉश करवा के ले आऊं। बट यार जो भी हो गाड़ी में पावर बहुत ज्यादा है, हमने कोई जल्दबाजी में घटिया गाड़ी नहीं खरीदी, एकदम आराम से सोच समझ के बढ़िया गाड़ी लेकर आए हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ फ्यूल स्टेशन पे, प्लस यहीं पर होता है कार वॉश। देखो यार अब इतना पीसी में गेम खेला है तो सारी चीजें याद ही हो, इसमें भी काफी चीजें सेम है। यहाँ पे गाड़ी वॉश करवा देते हैं फटाक से। लाओ भैया आप कितने रुपए लेते हो गाड़ी वॉश करने के? $100 हर काम में भाई, 100, 200, $250 मेरे लग जा रहे हैं। अभी मेरे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ $616। गाड़ी का कलर मैं सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा, बट ठीक है चलेगा, अभी कुछ नहीं करना है, इस गाड़ी को वैसे भी ले जाके बेचना है। और मुझे लगता नहीं है कि यार प्राइस की वजह से इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। अरे 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 भाई गाड़ी में ड्रिफ्ट किट है तो क्या? ओए नहीं यार, एक बंदे ने अपनी ऑडी R8 हमारी गाड़ी में लाके ठोक दी। अभी रिपेयर करवाई, अभी पेंट करवाई और अभी ही नुकसान हो गया। रुक जाओ यार दोबारा रिपेयर पे लेकर आया हूँ मैं। ले भाई रिपेयर कर यार, कुछ वारंटी होती है क्या तुम्हारी रिपेयरिंग की? पैसे बच जाते यार। क्या ठीक है, मेरे को लगता नहीं ज्यादा डैमेज हुआ होगा। कितने रुपए? 48। बच्चा कुछ जो पैसा है ना वो भी मेरा सारा इन्हीं सब खर्चों में चले जाएगा। पर हाँ मुझे इतना याद रखना है कि एकदम स्टार्टिंग में मैं एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद के लाया हूँ और इसे मुझे एकदम डबल ट्रिपल प्राइस में बेचना है। भाई देखो अभी अपने को बिजनेस बनाना है तो एकदम बढ़िया तरीके से काम करना होगा। ओए वॉच गया, अभी जल्दबाजी और ड्रिफ्ट एक्शंस के चक्कर में ना मेरी दोबारा से गाड़ी ठुक जाती। चलो 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 ठीक है, शोरूम के बाहर गाड़ी आ चुकी है, एकदम पीछे करके बढ़िया तरीके से बस यहीं पे बढ़िया पार्क कर दिया गाड़ी। चलो अब चलते हैं इस गाड़ी को बेचने के लिए, अपने कंप्यूटर में लगा देते हैं सेल पे, लेट्स गो। तो हमें जाना सबसे पहले वेब पेज पे कार फॉर सेल, और अपनी है Volkswagen जो कि, तो देखो ये गाड़ी मैं लेकर आया था $14,000 में, $368 मैंने इस पे ऊपर से खर्च करे, पेंट हो गया, रिपेयर हो गया, वॉश हो गया, ये सब चीज के। तो अभी मैं इस गाड़ी को बेचने वाला हूँ 50,000। अरे मेरे से पूछ तो लो कितने का बेचना चाह रहा हूँ मैं। रिमूव। हाँ तो मैं इसे, भाई अभी तो जीरो में चले जाती है, मुझे इसे बेचना है $50,000 का। डन, सिंस इट इज अ ट्यूटोरियल यू कैन, तो प्रैक्टिकल प्राइस इसका मैं डालू तो वो होना चाहिए $24,000, मतलब 14 का मैं लाया था तो डबल तो नहीं बट थोड़ा अच्छे खासे प्राइस में बेच रहा हूँ। चलो तो ये गाड़ी मैंने एकदम मस्त बेचने के लिए लगा दी है। मैं पता है वैसे बैंक वगैरह से लोन भी ले सकता हूँ ताकि मैं और गाड़ियाँ खरीद के ले आऊँ। बाकी ये गाड़ी एकदम बढ़िया लोन पे लग चुकी है, वेट करते हैं, देखते हैं भाई कोई खरीदने वरीदने आता है या फिर नहीं। ओए अच्छा चलो कुछ नहीं हुआ, मैं एक बार चेक करता हूँ यार बैंक से लोन लेकर, देखते हैं यार अगर मैं बैंक से लोन ले लूँ तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीद लूँगा। 5,000 का ही ले सकते हैं क्या बस, या फिर अगर मैं 15,000 का लोन लूँ, मतलब यार जल्दबाजी में ज़्यादा भी नहीं लेना, पता चला वापस भी नहीं दे पा रहे। नहीं 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 शायद से स्टार्टिंग में 5,000 का ही ले सकते हैं। चलो भाई बैंक से हमने $5,000 का लोन ले लिया। भाई प्लीज कोई तो कस्टमर आ जाओ यार, इस गाड़ी को खरीद के जाओ यहाँ से, बोझ बन गई है गाड़ी भाई मेरे सर पे। मजाक कर रहा हूँ, अभी तो लाके खड़ी करी यार, देखो अच्छी गाड़ी है यार। देखो अभी ऐसे नया नया शोरूम ओपन हुआ है तो ऐसे ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे, मैं एक काम करता हूँ, जो $5,000 मैंने लिए है ना नेबरहुड में एक और चक्कर काट कर आते हैं जब तक, और एक और नई गाड़ी ढूंढ के लाते हैं, क्या पता तब तक कोई ना कोई कस्टमर भी आ जाए। लेट्स गो, हम लोग आ चुके हैं नेबरहुड में, सामने एक टोयोटा कोरोला बिक रही है यार, स्पोर्ट्स कार नहीं है क्या भाई शहर में? यार मुझे तो लग रहा था मोबाइल वाले में बढ़िया बढ़िया गाड़ी होगी, 7,000 की बंदा गाड़ी बेच रहा, नहीं चाहिए। सामने एक मर्सिडीज है, और वेट पीछे यहाँ पे, ओ नहीं 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 ये तो मैंने पिछली बार भी देखी थी ना गाड़ी, काफी महंगी दे रहा था 5,000, नहीं नहीं मैं इसे ले सकता हूँ यार। अभी सीन पता है क्या है, हमारी ना वो वाली स्किल नहीं खुली है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपनी बार्गेन स्किल अनलॉक करूँ तो करूँ कहाँ से, क्या वो मेरे कंप्यूटर से जाके होगी क्या? एक बार वापस चलते हैं भाई, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई क्या दिक्कत है यार, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा, इतने मस्त हाईवे पे हमने अपना शोरूम खोला है, किसी को गाड़ी दिख नहीं रही है कि गाड़ी बिक रही है। रुक जाओ यार बड़ा किस्मत खराब है यार, यार मैं क्या करूँ, इस गाड़ी का प्राइस डाउन करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है इस गाड़ी को खरीदने। मुझे लग रहा है कि मुझे शायद से गाड़ी का प्राइस डाउन करना चाहिए। देखो 24 मैंने डाला था, अब मैं देखो मैं 20,000 डाल रहा हूँ, इससे नीचे नहीं जाऊंगा भाई, इससे नीचे गया तो मैं कमाने थोड़ी, फिर तो मतलब मैं क्या कमाऊंगा। और एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिर अपने आप की स्किल्स में कहाँ से अपग्रेड कर सकता हूँ। ओके गाइस, तो पता है मेरी ना गेम में कुछ तो ग्लिच हो गया था, और अभी मैंने गेम रीस्टार्ट करी, और तुम ये देखो मेरे शोरूम के बाहर एक बैगर आके बैठ चुका है, जिसको अगर मैं $500 दूं तो मैं इसे वीकली अपने काम के लिए हायर कर सकता हूं। तू आजा भाई, एक नए बंदे को हमने रख लिया भाई, एकदम बढ़िया ड्रेस
ड्रेस पहन के आ गया और पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी शोरूम के बाहर जाके खड़ी हो गई है। मैंने इसे सेल पे लगा रखा था भाई। चलो खैर ठीक है, गेम शायद से अपनी ठीक हो चुकी है, लेट्स गो। अभी गाड़ी को लेकर चलते हैं, वापस से पार्क करते हैं और दोबारा से सेल पे लगाते हैं। मैं वही कहूँ यार, इतनी देर हो गई भाई, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा यार गाड़ी खरीदने के लिए। चलो ठीक है, अभी शायद से फुल गेम एकदम ठीक हो गया पहले जैसा। अब यहाँ पे गाड़ी रोक देते हैं, परफेक्ट। अब वापस से चलते हैं, गाड़ी को सेल पे लगाते हैं, शोरूम को ओपन कर देते हैं और मुझे यहाँ पर वापस से यार सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो लास्ट टाइम मैंने गाड़ी को लगा दिया था 24 पे, मैं तो 20 कर दिया था, बट मैं प्रॉपर 24,000 में इस गाड़ी को बेचने वाला हूँ। लेट्स गो, गाड़ी एकदम बढ़िया सेल पर लग चुकी है और अभी मेरे पास ना काफी सारे टूल है, जैसे कि वैसे तो कुछ भी टूल नहीं है भाई, हमें ना मार्केट में जाके थोड़े बहुत टूल खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि टैबलेट हो गया, एक हैमर हो गया ताकि मैं थोड़ा स्क्रैप तोड़ पाऊँ, कार वॉशिंग वाला हो गया और एक स्क्रबर हो गया जिससे हम लोग गाड़ी को थोड़ा साफ वाफ कर सकते हैं। तो ये बेसिक दो तीन चीजें जो कि मुझे लेकर आनी है, बट उससे पहले मैं ना यार एक बार्गेनिंग स्किल अनलॉक कर लेता हूँ। ओ नहीं, अभी नहीं अनलॉक कर सकता, मुझे उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यार भाई देख, मैं तेरे भरोसे दुकान छोड़कर जा रहा हूँ, अगर मैं वेट, कस्टमर आ चुका है भाई दुकान में, लेट्स गो। हाँ जी भाई, यार अगर ये बंदा अपनी गाड़ी खरीद लेना, देखो हम लोग इसे टोटल $14,000-$15,000 में लेकर आए थे और ये गाड़ी के अंदर कहाँ चला गया भाई। हाँ तो ये बंदा आया है हमसे गाड़ी खरीदने, 16, तू जा भाई, तू घर जा, सो जा घर पे जाकर, ठीक है। मैं भाई 14,000 के लेके आया हूँ, $300 मैंने लगाए हैं, इसको 16 के बेचूंगा तो मेरा क्या फायदा होगा 1500 का, बस पागल है क्या, उससे बढ़िया तो मैं कहूँ ही ना। ठीक है, जब तक यहाँ पर थोड़ी देर में कस्टमर्स आते रहेंगे, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा घूम कर आता हूँ। मैं वापस से जाने वाला हूँ नेबरहुड में, अपने पास $5,000 है, ज्यादा पैसा नहीं है, बट इन $5,000 में भी कोई ना कोई तो यार कबाड़ गाड़ी तो आ ही सकता है। ये क्या है भाई, ये क्या बेच रहा है भाई तू, एक सेकंड, $14,000 का वो भी, छी पागल हो गया क्या भाई, आजकल लोग ना कुछ भी प्राइस डालते रहते हैं यार। खैर ठीक है, यहाँ पर भी एक छोटी पिद्दू सी गाड़ी खड़ी, ये तो देख भाई 2,000 वाली गाड़ी है, ये दे मुझे 8,000, नहीं है भाई 5,000 है, मैं 2,000 की गाड़ी लेने निकला हूँ। खैर वो सब ठीक है, यहाँ पे टोयोटा कोरोला खड़े, ये तो मुझे लगता नहीं कि हमें देने वाला सस्ती, तो पूछ कर टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इससे बढ़िया पूछो ही मत। यहाँ पर कोई तो मस्त गाड़ी है, ये तो भाई महंगी लग रही है मुझे, ये अंकल जी 15 का बेच रहे, नहीं यार यार $5,000 में मैं क्या कोई गाड़ी ही नहीं खरीद सकता हूँ शहर में, क्या बात कर दी 5,000। देखो मैं, मेरे पास अगर बार्गेनिंग स्किल होती ना तो मैं इससे गाड़ी थोड़े से मोल भाव करके सस्ते में ले लेता, बट वो 5,000 से थोड़े से ऊपर मांग रहा है जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। ये बंदा भी 5,300 बोल रहा है, मेरे पास एग्जैक्ट 5,000 ही है, 5,037। ये तो भाई मर्सिडीज है तो पूछने का फायदा नहीं है, ये गाड़ी मुझे 50 से कम में तो देगा नहीं। चलो कुछ फायदा नहीं हुआ, आज भी हमें नेबरहुड में घूम के कोई भी ढंग की गाड़ी नहीं मिली। खैर गाड़ी ढंग की मिली बट पैसा नहीं था ना, तो अभी चुपचाप से वापस चलते हैं। मुझे सबसे पहले यार अपनी जो गाड़ी में खरीद के लाया हूं ना, मुझे वो बेचनी होगी। यहाँ पर एक लास्ट काफी छोटी सी गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने इससे नहीं पूछा था, क्या पता है सस्ती दे दे तो मैं इससे ले लूंगा, 2,000-3,000 में दे दे तो यार 9,000 भाई नहीं यार, ये गाड़ी की नहीं है 9,000 वैल्यू, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट यार बहुत छोटी गाड़ी है। चलो चलते हैं वापस यार, पता नहीं हो क्या रहा है, हमारे शोरूम पे कोई कस्टमर आने कोई रेडी नहीं है यार, आएंगे भी क्यों यार, आखिर एक ही गाड़ी है अपने पास। ओ वेट, एक कस्टमर यहाँ पर आ चुका भाई, लेट्स गो। प्लीज यार तू ये गाड़ी $20,000 में तो खरीद ले यार, मेरे सर चढ़ गई है गाड़ी, मुझे यहाँ से बेचनी है। कितने बोल रहा तू, 24 मेरे को चाहिए और ये मुझे दे रहा है 18.5। बार्गेनिंग स्किल नहीं है, मुझे लगता है मुझे गाड़ी बेच देनी चाहिए, ले भाई लेट्स गो। अभी अपने पास टोटल 23,000, अरे वो तो गाड़ी लेके भी पैदल गए हैं से। खैर हाँ, अपने पास अभी टोटल 23,000 हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी भाई, शुरुआत काफी बढ़िया हो चुकी है। 23 के हिसाब से मेरे को एक बार वापस जाना चाहिए नेबरहुड में, यहाँ पे कार मार्केट भी है बट शायद से आज वो ओपन नहीं होगा। हाँ ये देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, वरना यहाँ पर भी बहुत सही से गाड़ी आती है बिकने के लिए, बट ये किसी पर्टिकुलर डे पे ओपन होता है। अभी फिलहाल अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे जाना होगा नेबरहुड में। यहाँ पर ओ वेट, रात होने वाली है क्या भाई? यस, कुछ ही देर में इस गेम में रात होने वाली है। मैं अभी गाड़ी खरीदूं ना खरीदूं क्या करूं, ये वाली गाड़ी दे रहा था, ये गाड़ी अच्छी लग रही है। कितने की बेच रहे हो भाई साहब आप? 14,000। लॉर्ड टॉरस ले लेते हैं भाई वाली गाड़ी। मेरे पास बार्गेनिंग स्किल आई है क्या? नहीं यार नहीं आई, तो मुझे इससे भी बिना बार्गेन करे खरीदनी पड़ेगी गाड़ी। लाओ सर ये गाड़ी बेच दो, मेरे पास पैसा है इसलिए आज मैं ले रहा हूँ। चलो गाड़ी में हम लोग बैठते गाड़ी, अरे बहुत ही ज्यादा खराब, मतलब 84% डैमेज है गाड़ी, मैं इसे चला भी नहीं सकता क्या? नहीं नहीं चलेगी तो है, बट यार मैंने ट्रक चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है। छी ये एग्जॉस्ट का साउंड था या फिर फटा हुआ इंजन है? नॉट बैड, गाड़ी तो बढ़िया करी थी। ले बैठो ले, ओ तेरी की। वैसे ये गाड़ी बची कुची हालत में थी, वो भाई साहब मतलब ठोक के वो नहीं गया, गलती मेरी है, मैं मजे में तेज भगा रहा था, गाड़ी ठोक गया भाई, जो इसकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हालत थी वो भी गई।
अभी तो भाई इसको सीधा टो करवा के भिजवाना पड़ेगा रिपेयर के लिए। चलो रिपेयर के लिए मैंने गाड़ी भेज दी है। यार थोड़ा यहाँ पे रेड लाइट वगैरह लगाओ यार, लोग गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं आजकल। एक तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा आसपास बस स्टैंड कहाँ पे, पैदल कितने ही चल के जाऊंगा यार। यार शहर में तो बड़े बड़े हाई स्कूल हो गया, हॉस्पिटल, क्या क्या चीजें बना दी है। पीसी वाले वर्जन में ये सब नहीं था। बाकी हम बातें कम करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ यार सीधा अपने कंटेनर में सोने के लिए, क्योंकि अभी इस गेम में हमारे पास कोई घर नहीं है। नेक्स्ट डे मैं वो वाली गाड़ी को रिपेयर करवा के भाई रखूंगा। यार क्या बढ़िया यार, वो तो पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर यार एक ऑडी टीटी भी बिक रही है यार, ये भी बहुत सही है। कि ये तो दे रहा होगा 50,000 की या 40 तो होगा। एट 23 मुझे पहले पता होता तो मैं ये वाली गाड़ी ले लेता, मेरे पास 24 थे। क्योंकि छी यार, कभी भी ना जल्दबाजी में चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। चलो कोई नहीं, अभी ना चल के पहले तो सोते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कहाँ पर है भाई। ये बस स्टैंड के थ्रू जाना पड़ेगा यार मुझे। बस स्टैंड के थ्रू जाऊंगा मैं मैकेनिक की दुकान पे और गाड़ी रिपेयर करवाऊंगा पहले तो। चलो हम बगल में ही थे बस स्टैंड के और इतना घूम के आया भाई, पूछो मत मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, ऑफिस पहुंच चुके हैं। अपनी बढ़िया वाली गाड़ी भाई बहुत खर्चा करवाने वाली है। 14,000 की लेकर आए थे, इतना डैमेज करवा दिया। डैमेज थी वो, बट अभी इतनी करवा दी कि धुआं निकल रहा है भाई। कितने रुपए लेगा भाई? $1,700 भाई 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 भाई, अपने को ये गाड़ी काफी ज्यादा महंगी पड़ गई यार। चलो जब तक ये बंदा गाड़ी रिपेयर कर रहा है, हम लोग चलते हैं सोने के लिए। नेक्स्ट डे आकर इस गाड़ी को चलाएंगे एकदम मस्त। सोने के लिए घर तो है नहीं, हमें जाना कैरावैन में। आओ, ये है अपना घर। भाई पेंट वेंट तो बढ़िया मार रहा है। चलो यहीं पर हम लोग रहते पीते हैं, यहीं पे अपना बोरिया बिस्तर लगा रखा है, सो जाओ भाई। आज के दिन हमने खर्चा करा है $28,000 का और कमाया है $18,000। पोटेंशियल मतलब $14,000 की गाड़ी हमारे पास पड़ी हुई है, जो कि मैं एनी डे बेच सकता हूँ। फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग वापस ऑफिस पे। डन गाइस, ऑफिस हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो सबसे पहला काम होता है यहाँ पर आकर ना कूड़ा वूड़ा सफाई करना, बट तुम्हें पता ही है कि मैंने एक बंदा हायर कर लिया था, तो सारा कूड़ा कचरा उठा के फेंकने का काम ये करता है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ है, ये भाई साहब जाएंगे भाग के उठाओ। वेरी गुड, तो जितना भी कूड़ा कचरा उठा के ये फेंकेगा, पैसे हमें इसके बदले मिल जाएंगे। बाकी एक मिनट, ये क्या हरकत है भाई? अब मैं कल इसकी पूरी पेमेंट करके गया हूँ, गाड़ी ठीक हुई है। ओके ओके, हो रही है भाई, मैं तो गुस्सा हो गया था। मैं कहूँ यार सारे हमने पैसे पे कर दिया बट गाड़ी रह गई, बट नहीं, गाड़ी एकदम बढ़िया रिपेयर हो चुकी है। बहुत सही भाई, गाड़ी को निकालते हैं बाहर, थोड़ा सा ध्यान से चलाएंगे भाई। सबसे पहले तो मुझे गाड़ी को चल के ना वॉश करवाना है, पेंट वेंट करवाऊंगा नहीं, उतने पैसे नहीं है। एक बार ना फुल स्पीड में निकालते भाई इस गाड़ी। ओए ओए ओए, क्या पावर है भाई। ध्यान से भाई, भाग रही है गाड़ी। कोई बात नहीं, कंट्रोल नहीं हुई यार सही में। आजकल मैंने मोबाइल में गेम खेलना थोड़ी बंद कर दिया ना इस वजह से। ले भाई गाड़ी वॉश कर यार जल्दी से, $100 तू भी पकड़ा पर गाड़ी चमका दे। डन भाई, गाड़ी एकदम चमक के एकदम नई जैसी हो चुकी है, डैमेज वाले पार्ट दिख नहीं रहे। चलो गाड़ी बाहर निकाल ले। यहाँ पर अभी ड्रैग रेस होता है क्या? बच गए भाई। एक एरिया आता है ना जहाँ पे चल के स्पीड टेस्ट करते हैं, वहाँ पे लेके चलते हैं अपनी गाड़ी को। बस, आ जाओ। तो वो तो करवा दिया। चलोगे भाई स्पीड टेस्ट? यस। यहाँ पे फॉरेस्ट है और रेड वैली है भाई। टोइंग फी $30 ले रहा है। मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ भाई रेड वैली पे, थोड़ा माउंटेन वाला एरिया यार ये तो। ओ भाई, मोबाइल वैली में तो काफी सारी चीजें हैं, बट यार ये रस्ते बहुत खतरनाक है यार। ये रस्ते इन गाड़ी के लेने भाई। ओके, है भाई है, गाड़ी अच्छी है। कंट्रोल तुम्हारे भाई का थोड़ा बहुत अभी बैठ चुका है, पहले मैं थोड़ी ठोका ठाके कर रहा। अभी जो ठुकी है मैं नहीं बोलूंगा, मुझे क्या पता था रास्ता ही खत्म है। मैं एकदम फुल स्पीड में भगाता वो आ रहा हूँ, अचानक से भाई बैरियर आ गए। वैसे गाइस सही बता रहा हूँ, इस गाड़ी के अंदर बूस्टर लगा के और ड्रिफ्ट किट डलवा कर हम लोग यहाँ लाएंगे ना, तो भाई बहुत ही बढ़िया ड्रिफ्ट मारते मारते हम लोग पहाड़ों से उतार सकते हैं। खैर अभी चलते हैं वापस। ओ भाई क्या भाग रही है भाई ये गाड़ी, कसम से बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई ये। ओहो, नहीं 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 आराम से यार, गाड़ी सचमुच में बहुत ही ज्यादा प्यारी यार, देख रहे हो? अटक चुके हैं तो। चलो अभी पहाड़ों से तो उतार लिया है, एक बारी गाड़ी थोड़ी सी सीधी भी भगा के देख लेते हैं कि कैसी भागती है। पहाड़ में तो बहुत ज्यादा नहीं चली थी और ग्राउंड पे भी बहुत ही नहीं, थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इतनी ज्यादा स्पीड है। तो यार मोबाइल पे से थोड़ी गेम खेलने की आदत भी कम हो गई है ना, थोड़ा वाला भी सीन है। बट ओवरऑल भाई गाड़ी बहुत ही ज्यादा सही है यार। यहाँ पे तो यार मस्त ड्रिफ्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट गाड़ी में ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल होना चाहिए यार। ये गाड़ी क्या है, हल्की सी ब्रेक मारो तो रुक रही है, ज्यादा ब्रेक मारो तो पूरी टर्न हो जा रही है। यहाँ पे मारेंगे बढ़िया ड्रिफ्ट। चलो यार बहुत मस्ती बातें शाते हो गई, अब एक बढ़िया ड्रिफ्ट मार देते हैं। चलो यार बहुत मस्ती बातें शाते हो चुके हैं, अब एक बढ़िया सी ड्रिफ्ट मारते हैं। भाई मैं सही बता रहा हूँ, लग ही नहीं रहा कि कार फोर सेल खेल रहे हैं। अचानक से पता नहीं मैं कौन सी वैली में अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ, ड्रिफ्टे मारते हुए जा रहे हैं। हाँ वो बात अलग है, ड्रिफ्टे सारी फेल हो रही है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, लग ही नहीं रहा कि हम लोग कार फोर सेल खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई रेसिंग गेम डाल दिया,
पहाड़ों से एकदम मस्त गाड़ी उतार रहे ड्रिफ्ट मारते हुए, जो कि हो नहीं पा रही है क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसा एरिया, वरना गाड़ी में ड्रिफ्ट किट लगवा के आते हैं। बट फिलहाल आज की वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि कार फॉर सेल मोबाइल तो भाई मेरे को लग रहा है मैं खेलता ही चले जाऊंगा, मजा बहुत आ रहा है। देखो यार, अगर आप लोग को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना। बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कार फॉर सेल मोबाइल खेलने के लिए, भाई सचमुच में यार अच्छा हुआ मैंने खेला यार, मजेदार था गेम भी और फोन भी दोनों ही बहुत मजेदार थे। भाई इसकी 5000 mAh की बैटरी ना, मैं बता रहा हूँ कितना कुछ भी भाई लो ही नहीं हुआ है, और अगर लो भी हो जाता तो टेंशन नहीं थी क्योंकि 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग है भाई इसमें। तो जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि मैं इस फोन का करने वाला हूँ गिव अवे, तो गिव अवे रूल्स बहुत सिंपल है, आप लोग को नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट तो करना ही है, बट कॉमेंट में #Samsung and #Galaxy M55 जरूर यूज करना, और जिसके भी कॉमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक भाई उस बंदे को हम लोग ये फोन गिव अवे कर देंगे फटाक से। तो जाओ फिर फटाफट से कर दो। वैसे सही बता रहा हूँ यार, फोन तो बहुत ऐसे क्यूट सा प्यारा सा स्लिम सा है। बाकी हाँ यार, कमेंट्स में जाके मुझे जरूर बताना कि मुझे नेक्स्ट बढ़िया वाला मोबाइल गेम कौन सा खेलना चाहिए। और हाँ, चैनल पर नए हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी से बटन दबा के उसे कंप्लीट कर दो। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।